फ्रॉम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होती है, क्योंकि बेसिकली ये हमारे पास काइनेमेटिक्स की इनिशिएटिव है। हम काइनेमेटिक्स को स्टडी करने जा रहे हैं, तो हमारे पास सबसे जो पहली चीज है वो हमारे पास क्या आती है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को अगर हम अच्छा समझ लेंगे तो हम इसी तरह फिर वेलोसिटी को अच्छा समझ लेंगे, और वेलोसिटी को अगर हम अच्छा समझेंगे तो एक्सेलरेशन को। इन तीन चीजों को अगर हम अच्छा समझ लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं हम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पोजीशन वेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट है मैं आपको देना चाहता हूँ। पोजीशन वेक्टर, ओके। अच्छा, पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या होता है, इट स्पेसिफाइज, ओके, इट स्पेसिफाइज द लोकेशन और पोजीशन, ओके, लोकेशन ऑफ पॉइंट, ठीक है, ये हमें किसी पॉइंट की लोकेशन बताता है, रिलेटिव टू एनी आर्बिट्रेरी रेफरेंस, एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, ओके, ये हमें रेफरेंस पता है किसी भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट से। मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक प्लेन है, और यूजुअली हम कहाँ से लेते हैं, ओरिजिन से। ये जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है ये हमारे पास क्या होता है, यूजुअली ज्यादातर जो हम लेते हैं हम कहाँ से लेते हैं, यूजुअली ओरिजिन से। ज्यादातर हम कहते हैं ओके, हम ओरिजिन से रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं। तो ये मेरे पास ओरिजिन है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, और ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, इसका नाम क्या है, पी। पोजीशन वेक्टर बच्चों कैसे ड्रा होगा, ओरिजिन से लेके पॉइंट तक, और ये इसकी क्या बताएगा, डायरेक्शन। तो ये हमारे पास, इसको हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर जो है हमारे पास, इसको हम लिखेंगे ओ पी, और ऊपर क्या लगाएंगे, बार, ओके। तो ये हम इसको क्या करते हैं, इस तरह डिनोट करते हैं। पोजीशन वेक्टर हमें क्या बताता है, हमें पोजीशन बताता है, लेकिन कहाँ से, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट, कोई रेफरेंस से बताता है, ओके। और ज्यादातर हम वो क्या लेते हैं, हम ओरिजिन को लेते हैं, ओके। आप स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स आप डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, और मैं एक प्लेन लाता हूँ आपको, मैं प्लेन बताता हूँ, ये मेरे पास एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन है, वाई पॉजिटिव है। मैं इस पे क्यों जोर देता हूँ बार बार कि ये एक्स पॉजिटिव है, ये वाई पॉजिटिव, क्योंकि मैं एक कन्वेंशन को फॉलो कर रहा हूँ, और उसमें क्या होता है कि राइट साइड पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, और अपवर्ड वाई जो अपवर्ड है वो वाई एक्सिस पे पॉजिटिव लिखता हूँ, ओके। और मेरे पास अगर एक पाथ है, मैं ये पाथ ले रहा हूँ, ओके, ये कोई पाथ है जिसमें बॉडी मूव करती है, और यहाँ पे मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक ए पॉइंट है और एक मेरे पास है बी पॉइंट। यहाँ पे मैं बी पॉइंट लेता हूँ। चलिए अब इनके पोजीशन वेक्टर्स ड्रा करते हैं, इनके पोजीशन वेक्टर्स क्या होंगे। तो देखिए, ए का मेरे पास ये आ गया आर ए, ओके, और जो मेरे पास आएगा बी पॉइंट के लिए वो मेरे पास क्या आएगा। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किसी रेफरेंस से मैं पोजीशन वेक्टर ड्रा कर रहा हूँ, और वो रेफरेंस मेरे पास क्या है, वो मेरे पास ओ, ओरिजिन, ओके, क्या है मेरे पास, ओरिजिन, ओके। और अब मैं पोजीशन वेक्टर ड्रा करता हूँ ए और बी के दरमियान, ए और बी के दरमियान, जो कहलाएगा आर ए बी, ओके। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल अगर ऐड करना चाहूँ मैं, देखिए ये मेरे पास आर ए था, ओके, और ये मेरे पास जो सेकेंड वेक्टर है, ये मेरे पास कौन सा है, ये आर आर ए बी, ओके, आर ए बी, और जो रिजल्टेंट मेरे पास बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो मेरे पास आर बी बन रहा है, ओके, क्या बन रहा है, आर बी। तो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, ओके, मैं इनको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा आर ए प्लस आर ए बी विच इज इक्वल टू आर आर बी, ओके, क्योंकि यहां से आप इस फिगर को देख भी सकते हैं।
इसमें हमारे पास आर ए बी किसके बराबर आएगा? आर ए बी विच इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। ओके, तो स्टूडेंट्स ये चीज जो आई है ना आर ए बी, ये हमारे पास क्या आ रही है? ये हमारे पास आ रही है डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये आर ए बी हमारे पास क्या चीज आ रही है? ये हमारे पास आ रही है डिस्प्लेसमेंट। ओके, अच्छा अब इनको डिफाइन करता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट को, और फिर इसके यूनिट लिखता हूँ। ओके, चलिए डिस्प्लेसमेंट को अब डिफाइन करते हैं। हमारे पास आर ए बी किसके बराबर आया था? आर बी माइनस आर ए। ओके, अब ये देखें दो पोजीशंस का डिफरेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? द डिफरेंस बिटवीन टू पोजिशन वेक्टर्स। ओके, हमारे पास क्या डेफिनेशन आ गई? द डिफरेंस बिटवीन टू पोजिशन वेक्टर्स। ओके, द डिफरेंस बिटवीन टू पोजिशन वेक्टर्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स इसका यूनिट क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का? इसका यूनिट होगा मीटर। ओके, ये मैं बता रहा हूँ एस आई यूनिट। ओके, एस आई यूनिट, एस आई यूनिट हमारे पास क्या होगा? इसका मीटर। और स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि ये डिफरेंस है दो पोजीशन वेक्टर्स का, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है? स्केलर है। और जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, आप ये देखें, चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको बेहतरीन समझ आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जिसमें वो कहता है कि पार्टिकल ने ए पॉइंट से मूव किया है और वो सर्कुलर पाथ में यहाँ से होते हुए गया है। ओके, और यहाँ से होते हुए गया है और पॉइंट बी पे आके रुक गया, तो इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें अगर हमारे पास डायमीटर कितना है। तो अब देखें, अच्छा आपको मैं बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसको डिनोट करते हैं एस से। डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं? एस से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखें डिस्टेंस, अब देखें डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा? डिस्टेंस हमारे पास ये होगा, देखें ये कंप्लीट सर्कल है और हमें पता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होती है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ये बराबर होती है हमारे पास 2 पाई आर के। ओके, तो अब हमारे पास देखें, ये इसने मूव किया है टोटल सर्कमफेरेंस में, इसने ए से बी पॉइंट तक मूव किया है और इसने हमारे पास मूव किया है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय, तो डी हमारे पास जो होगा वो हमारे पास आएगा 2 पाई आर। ये होती है कंप्लीट सर्कल के लिए, इसने कितना किया? हाफ सर्कल, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2। ओके, हमारे पास जो डिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आएगा? पाई आर। नाउ आर हमारे पास क्या है? आर हमारे पास होगा, अगर डायमीटर हमारे पास 2 मीटर, आर हमारे पास कितना होगा? जो होता है डी बाई टू विच इज इक्वल टू 1 मीटर, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा? पाई मीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये तो डिस्टेंस था जो आपने कैलकुलेट किया। अब चलिए इसकी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होती है स्ट्रेट लाइन जो होगी हमारे पास ए से बी के दरमियान, तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या बन रही है? स्ट्रेट लाइन हमारे पास बन रही है इसका डायामीटर, तो डायामीटर जो बन रहा है हमारे पास कितनी है? इसका 2 मीटर। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी आ गई? एस विच इज इक्वल टू 2 मीटर। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स आपको इस चीज से पता चल रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस नहीं आ रहा। ओके,
अभी हमने डायरेक्शन नहीं बताई कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किस तरफ है, हमने सिंपल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया डिस्प्लेसमेंट का, वो हमारे पास कितना आ रहा, वो हमारे पास आ रहा है 2 मीटर, और ये कितना आ रहा है पाई मीटर, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो ये देखें जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो इससे हम दो कंक्लूजन निकालते हैं, डिस्टेंस मे बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, ओके, और डिस्टेंस में भी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और ऑलवेज ग्रेटर, ऑलवेज ग्रेटर। अच्छा मैं आपको बताता हूं इक्वल कब होगा। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी ने स्ट्रेट मूव किया, स्ट्रेट मूव किया है ए पॉइंट से बी पॉइंट, तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के, ओके। अब मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास डायरेक्शन में, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, ओके। तो इसमें जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस, ओनली ओनली कौन सा, ये देखें एक रिस्ट्रिक्शन, ओनली इन ओनली इन स्ट्रेट पाथ, ओनली इन स्ट्रेट पाथ, ओके। बकाया जो भी पाथ होगा हमारे पास उसमें जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, स्ट्रेट पाथ, ओके। स्टूडेंट्स मैं समझता हूं कि आपको जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो लेक्चर को एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।